हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी जबरदस्त होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में भी जुटे होंगे। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपके इस अपने परिवार फुंतुरु जी पर। सबसे पहले बताएं मेरे भाई कि मेरी आवाज वगैरह एकदम सब कुछ क्लियर तरीके से आप सभी साथियों तक पहुंच रही है। गणित के इस दंगल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका एग्जाम पास आते चला जा रहा है और इस क्रम में आपको अपनी मेहनत जो है वो दुगनी कर देनी चाहिए। जितना आप अभी तक पढ़ रहे थे उससे डबल आपको मेहनत कर देनी चाहिए। तो मेरे भाई, इसी क्रम में डेली शाम को 9 बजे ये क्लास में आपके लिए अपडेटेड कंटेंट, यहां पर लिखा हुआ है अपडेटेड कंटेंट की क्लास आपके लिए लेकर आता हूं, जिसमें हम लोग पूरे मैथ के हर चैप्टर का लगभग हर एक सवाल जो 2024 और 23 के एग्जाम में आया है उसकी नजाकत को समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल जो है वो किस प्रकार के एग्जाम में आ रहे हैं या फिर नया पैटर्न जो है सवाल का आने का क्या है, गणित में क्या कुछ वो चीजें हैं जो नई की जा रही हैं। इन चीजों पर हमारा विशेष तौर पर, हेलो, आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है थोड़ी बहुत, तो वैसी मतलब फ्लक्चुएशन है, वो मैनेजेबल है आई थिंक, है ना? और अभी वो भी नहीं होगा, अभी सब कुछ क्लियर है। एक बात बताएं जल्दी से फुर्ती में, ये साउंड में क्या पता नहीं बीमारी है, इसमें कोई ना कोई बीमारी इसमें है और ये यूट्यूब की ही क्लास में आता है हमेशा, मैंने देखा है, पता नहीं क्यों मेरे भाई। अभी फिलहाल तो ठीक है, ये बताइए जल्दी से मेरे दोस्त, सभी लोग बताएं एक बार, सब कुछ क्लियर है जल्दी से बताएं। अभी आवाज एकदम क्लियर है, बेहतरीन है, आप सभी तक पहुंच रही है आवाज मेरी। हाँ जी, ऑल ओके, अब एकदम क्लियर है साउंड, साउंड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भैया। आप सभी का स्वागत करते हैं सद्भुत क्लास में मेरे भाई। डेली शाम को 9 बजे ये क्लास जो है अपने यथावत समय पर शुरू हो जाती है। आप सभी लोग इस क्लास का जो है नियमित तौर पर हिस्सा बना कीजिएगा। इसमें हम लोग गणित के अपडेटेड सवालों को करने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि नए सवाल जो है पेपर में किस प्रकार के आ रहे हैं। आप सभी लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मक्कार बच्चे हैं, जो मेहनत करना नहीं जानते हैं, उन्हें ये सीरीज उतनी पसंद नहीं आ रही है। रीजन ये है कि YouTube पर ये चलता है कि सरल सरल कराओ और ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ। सिंपल बात है, YouTube पर क्या होता है, सरल सरल पढ़ाइए, ज्यादा बच्चों को पढ़ाइए। तो भैया, मैं सरल सरल पढ़ा के आपको धोखा नहीं देना चाह रहा हूं। जो पेपर में सवाल इस बार आने हैं मैं वही आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो मेरे भाई, जो भी है आपके सामने है, कई सारे सवाल आसान भी होते हैं और कई सारे सवाल अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सेट ही आपका कठिन होता है, लेकिन 2-3-4-5 सवाल तो आते हैं ना अच्छे लैंग्वेज के, तो बस वही आपको वहां से गैदर करने हैं, वही आपको कैप्चर करने हैं। आप सभी लोग मेरे भाई एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो क्लास अभी होने जा रही है, इस क्लास की पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में फ्री में आपको उपलब्ध होती है। सभी लोग ऐप का लिंक ऊपर दिया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर क्लास के बाद, ठीक है, अभी नहीं। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप हमारे साथ, जैसे ये जो आपकी क्लास चल रही है ये एक प्रैक्टिस क्लास है, तो मेरे भाई अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्स में जुड़कर और मेहनत करना चाहते हैं और अपने आप को निखार लाना चाहते हैं, तो हमने कल ही नया बैच लॉन्च किया है। ये टारगेटेड बैच है। मैं रिपीट कर दूं अपनी बात को, इसमें ये दो किताबें जो है 2024 वाला मैथ और 2024 वाली रीजनिंग, ये दोनों किताबें संपूर्ण तौर पर हम इसमें कराएंगे। 10 सुपर मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे, टिल एग्जाम की वैलिडिटी है इसमें। दोनों मैथ और रीजनिंग का लगभग 16,000 सवाल जो है चैप्टर वाइज इस बैच के अंदर हम करा रहे हैं। हजारों की संख्या में इस बैच में हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम या फिर ऐप को डाउनलोड किए होंगे वो नोटिफिकेशन के माध्यम से इन सारी चीजों को देख रहे होंगे। एक बात यहां क्लियर कर दूं कि इस बैच को वही बच्चा ले जिसका मैथ और रीजनिंग ऑलरेडी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट से उसने पढ़ रखा है, दैट मींस उसने सिलेबस मैथ और रीजनिंग का पढ़ रखा है। अब उसको टारगेट तौर पर एक पॉलिश चाहिए और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, सारे चैप्टर्स का रिविजन और बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस, रेलवे के सारे सवालों की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें अगर चाहिए तो ही इस बैच को आप लें। अगर आपने मैथ या रीजनिंग सिलेबस नहीं पढ़ा है, ठीक है भैया, और आप इस बैच को ले लेंगे तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे। रीजन,
क्योंकि इसमें भाई साहब सीधा सवाल होंगे, 16,000 प्रश्न कराने मैथ के और 16,000 रीजनिंग के। तो कॉन्सेप्ट के साथ में ये बैच नहीं है, ये प्रैक्टिस बैच है, यहां लिखा हुआ है मैंने इसीलिए स्पेशली। तो ये वही स्टूडेंट बैच को लिए जो बच्चा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कवर कर चुका है। अब जैसे मैथ में आपका एडवांस मैथ छूटा है, अर्थमेटिक हो गया है, तब भी आप ले सकते हो क्योंकि शुरुआत उसमें अर्थमेटिक से ही होने जा रही है। ठीक है भैया, उधर आपका एडवांस होता रहेगा, अर्थमेटिक किधर प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर आप मेरे साथी बहुत मजे से हमारे साथ सारे सब्जेक्टों का फाउंडेशन यानी कि जीरो लेवल से लेकर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए, सारी चीजों को सीखते हुए जो है सिलेबस को कवर करना चाह रहे हैं, तो भैया आप यकीन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये यकीन बैच में आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, चैप्टर वाइज पूरा कॉन्सेप्ट से फाउंडेशन है ये बैच। ठीक है भैया, बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ये सारी चीजें इस बैच में आपको उपलब्ध है। इस बैच की जो फीस है वो भैया 699 है और जो टारगेटेड बैच है इसकी फीस 249 है केवल। ठीक है भैया, और ये आपके मॉक टेस्ट हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट में एक बड़ा बदलाव हम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे इसमें 45 मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपसे बोला था, तो मॉक टेस्ट में क्या बदलाव होने जा रहा है कि 25 मॉक टेस्ट हम आपको CVT 2 के दे रहे हैं और इसी में 25 मॉक टेस्ट CVT 1 के भी दे दे रहे हैं, क्योंकि पहले CVT 1 होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि CVT 1 के लिए मैं आपसे बोलूंगा आप अलग से मॉक टेस्ट लीजिए, इसी में मैं 25 मॉक टेस्ट CVT 2 के भी ऐड कराने जा रहा हूं। ठीक है भैया, तो ये सारी बातें हैं, आप सभी लोग इन चीजों को भी फॉलो करिए और इस क्लास को भी फॉलो करिए। आज की क्लास को स्टार्ट करने का सभी लोग इजाजत ग्रांट कर दें बहुत अर्जेंट में, सभी के सभी साथी मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से बताएं, सौरभ मीना आंट बाबू उसकी क्लास चल रही है, मैं आपको कल भी मैंने उसकी क्लास ली थी, आप शायद उसकी क्लास नहीं ले रहे हो। इससे मतलब थोड़ी है कि अगर कोई नया प्रैक्टिस जो है बैच आ गया है तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, आपका आ चुका है। ठीक है बाबू, तो आप सभी साथी जो हैं जुड़े और अपनी तैयारी स्टार्ट करें आज की क्लास को स्टार्ट करने की। सभी लोग इजाजत जल्दी समय ग्रांट करें फुर्ती में, बहुत जल्दी मेरे भाई, जल्दी से जल्दी बताएं। तो हमारे प्रिय साथी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, मोहित जी नाम है इनका, यही आपके टेस्ट टीम हेड है, जो टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जो टेस्ट आप सभी लोग दे रहे हैं, यही सारा उसका काम दाम सब कुछ जो है मोहित जी ही देखते हैं और यही इनकी मेहनत है कि आपको वो टेस्ट उपलब्ध हो पा रहे हैं और आप बेहतरीन तरीके से अपने टेस्ट देकर कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। पहला सवाल आज की क्लास का आप सभी की स्क्रीन पर रहा, बोलिए आंसर क्या होगा ध्यानपूर्वक। पहला सवाल जल्दी से बताएं, देखिए DI का सवाल है, हो सकता है कि आप देखकर थोड़ा सा डर जाएं, लेकिन कुछ भी है नहीं सवाल में, आप ध्यान से सवाल देखिएगा। यहां क्या है, मैंगो, ग्रेप्स, बेरीज, ऑरेंज, चेरी, इनका डायग्राम बना हुआ है। ये मैंगोज हैं, बेरीज हैं, चेरीज हैं और पोमोग्रेनेट्स यानी कि अनार हैं, ऑरेंज हैं, संतरे हैं। ठीक है, तो कह रहा है यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल जो फल हैं वो 50,000 किलोग्राम है, तो अनार और बेरी की मात्रा बताओ कितनी है। तो अनार और बेरी की मात्रा का लगभग अंतर ज्ञात करो मेरे भाई, अंतर, अनार और बेरी की मात्रा का अंतर। अब गौर से देखो, बेरी ये है 8.11% बेरी है। ठीक है भैया, 8.11% क्या है, बेरीज है, और अनार यानी कि पोमोग्रेनेट कितने हैं, 31.07% हमें 31.07 और 8.11 का अंतर बताना है। आई रिपीट माई वर्ड, हमें 31.07 और 8.11 का अंतर बताना है। तो क्योंकि हमें अंतर लगभग में बताना है तो हम डायरेक्ट 31 में से 8.11 को घटाएंगे। 31 और 8.11 का अंतर कितना है बताओ, 31 और 8.11 का अंतर क्या है, लगभग 22% आएगा। ठीक है, लगभग 22% आएगा। तो अगर हम 22% निकालें 50,000 का, तो 22×5=110 यानी कि लगभग 11,000 के समथिंग में आंसर आएगा। ठीक है, लगभग आंसर आएगा मेरे भाई 11,000 के समथिंग में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। खत्म सवाल हो गया, बोलो क्लियर है भैया, अर्जेंट में सभी साथी बताएं, बात की गहराई क्लियर है हमारे साथ में। मेरा गांव का नाम ओंड मीना दौसा राजस्थान है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है बाबू। SKSSC
BR25 11480, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऑल द बेस्ट, बहुत बेहतरीन। इतनी ही जल्दी आंसर करना जितनी जल्दी आपने किया है, और कैसे करना यह भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, यहां पर 8.11 है, यहां 31.07 था, अब इनको घटाना नहीं है बैठ के, 31.07 में से 8.11 घटाओ, लगभग में आंसर बताना है, तो लगभग अंतर 22% का है, 22 × 5 = 110, यानी कि मेरे भाई 11000 से शुरुआत होगी। चलिए, तो ये तो अपने डीआई का पहला सवाल था इस चैप्टर का, तो मतलब इस सेट का, तो आप हो सकता है घबरा गए हो, पहले ही सवाल को देखकर एकदम टेंशन फैल गई हो, तो ऐसा ना करें भैया, डीआई भी आपके एग्जाम में एक दो सवाल आते हैं, तो आपको डीआई की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहनी है ना। दूसरा सवाल बताइए आज की क्लास का, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, नंबर सिस्टम सॉरी टाइम एंड वर्क चैप्टर से है और अपडेटेड प्रश्न है, ठीक है, नया सवाल है जो इस समय पर आ रहा है एग्जाम में, पढ़कर देखो। N+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम कर रहे हैं, 20 दिन में 48% काम को पूरा कर सकते हैं, कोमा N+12 व्यक्ति शेष काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे काम करता है तो N का मान बताओ क्या होगा। अब टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो बाबू यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह सवाल किस कॉन्सेप्ट का है। तो जो बच्चा इस बात को समझ जाएगा कि यह सवाल एक्चुअल में MDH कॉन्सेप्ट का सवाल है, MDH M1D1H1/W1 M2D2H2/W2 ये बताया था, उसी पर आधारित सवाल है। कैसे, देखो N+18 व्यक्ति, ध्यान से सुनना भैया, पेन की तरफ देखना, N+18 व्यक्ति यानी कि ये M1 हो गया, ठीक है, N+18 व्यक्ति यानी M1 गुणा D1 कितना है, 20 दिन है मेरे भाई, N+18 व्यक्ति 20 दिन काम करते हैं और एक दिन में 7.5 घंटे काम करते हैं तो 48% काम पूरा कर लेते हैं, यानी कि भैया W1 कितना, 48/100, तो W2 क्या होगा, W2 52% होगा, तो W2 पहले ही लिख लो यहां पर 52/100, ठीक है भैया, 52/100। अब देखो जो दूसरे हिस्से का काम है वो N+12 व्यक्ति कर रहे हैं, N+12 व्यक्ति कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, तो मेरे भाई 30 का गुणा हो जाएगा और एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं, 6.5 घंटा, तो यहीं पर 6.5 का भी गुणा हो जाएगा। थोड़ा समझने का या प्रयास करना, भरबड़ा मत जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगी, यहां से एन की वैल्यू आपको पता करनी है, समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई यहां 100 से 100 को क्या कर दो, उड़ा दो, ठीक है, इसके अलावा आपको क्या कर सकते हो, यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 0 बढ़ा लो और 13×52 यहां 40 आ जाएगा और 13×5 = 65 मेरे भाई यहां 5 आ जाएगा, ठीक है भैया। और अगर आप 7.5 का 20 में गुणा करें तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपका 150, ठीक है, 150, और 30 का इस 5 में गुणा कर देंगे तब भी 150 होगा, 150 कट गया। अब यहां क्या बचा, आराम से देखो N+18 बचा, नीचे क्या है, नीचे 48 है, जल्दीबाजी मत करना, कैलकुलेशन अच्छी है ना, यहां क्या बचा, यहां N+12 बचा और नीचे क्या है मेरे भाई, नीचे 40 है, ठीक है। अब इसको आराम से फिर से आप सॉल्व कर लो, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 5N और 6N हो जाएगा, तो N अंतर बचेगा इनका, और इसके बाद 18×5 = 90 और 12×6 = 72, ठीक है भैया, तो 90 में से 72 घटाएंगे, 18 वैल्यू आ जाएगी N की, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, ऐसे करना ये सवाल। बोलो समझ में आ गया, जल्दी से बता दो मेरे भाई, कुछ है नहीं सवाल में, बस कैलकुलेशन है, ठीक है, कुछ है नहीं सवाल में, आई रिपीट माई वर्ड, कुछ है थोड़ी सवाल में, बता क्या है सवाल में बताइए यार, केवल कैलकुलेशन है, MDH कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और थोड़ा सा नया मामला है, हल्का सा अपडेटेड पैटर्न है कि थोड़ा घुमा दिया सवाल, यहां पर N+18 दे दिया, यहां परसेंटेज दे दिया, तो आप टेंशन में आ गए, जबकि कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको MDH लगाना है, आंसर आ गया N+18, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल आज की क्लास का देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया मेरे भाई, SSC बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, धीरज बिल्कुल सही जवाब है, राजकुमार, जयप्रकाश, शक्ति कुमार, अनिरुद्ध गुचेर, सुनील LP बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। अगला सवाल बताएं, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं, कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, आप लोग अपना सवाल कीजिएगा, एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये है, तो सवाल क्या है पता है, सवाल ये है कि दो वृत्त हैं, एक वृत्त मेरे भाई ये है और एक वृत्त ये है, और ये दोनों वृत्त जो हैं इनकी त्रिज्याएं समान है, इनकी रेडियस दोनों वृत्त की क्या है मेरे भाई, इक्वल है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर P और एक बिंदु Q यहां पर आपस में काटते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट, और जो PQ है इसकी लंबाई मेरे भाई 10 सेंटीमीटर है, जो PQ है इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है,
तो दोनों व्रतों के केंद्र की दूरी बताओ। अब मेरे साथी समझो, मान लो ये केंद्र इसका यहां है और इस वाले का केंद्र यहां है, तो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। ये कांटा डिस्टेंस आपको बतानी है, ये कांटा दूरी आपको बतानी है। तो अगर ये कांटा दूरी आपको बतानी है तो लगे हुए कांटे को निकालना पड़ेगा, और लगा हुआ कांटा कैसे निकलेगा, एक रेडियस ड्रॉ करके निकलेगा। अब बताना PQ की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, गहराई नापना भैया, और त्रिज्या जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 6 हो गई। ये पूरा PQ 10 है तो ये वाली 5 हो जाएगी, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे अगर, तो 11 रूट 11 ये वाली हो जाएगी यहां से यहां तक, ठीक है, पाइथागोरस लगा के रूट 11। हमें पूरी निकालनी है, पूरी निकालनी है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√11। एक बार रूट 11 और आ जाएगा मेरे भाई इधर साइड में, आंसर क्या हो जाएगा, 2√11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, क्या कोई कठिन सवाल है? बिल्कुल नहीं। क्या इंपॉर्टेंट सवाल है? बिल्कुल। ठीक है, चालान कटवाने से आज सभी लोग जरूर अपना बचें और सही आंसर ही कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। एक बात आप सभी साथियों से कहना है, कई बच्चे ये कहते हैं मुझसे कि सर आपने इस वाली क्लास में एड ओपन क्यों कर दिए, मतलब क्लास में एड आने लगे हैं, पहले एड नहीं आते थे। तो इसका एक बड़ा रीजन है मेरे भाई, आपने देखा होगा आज YouTube की क्लास जब मैंने लाइव करी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, आपने ये चीज देखा होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा 8:30 बजे, ठीक है, जो ऑटोमेटिक आता है। लेकिन अभी जब क्लास लाइव हुई तब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा होगा, उसका रीजन है, एक्चुअल में हर आदमी जो है ना, चाहे यूट्यूब के इंजीनियर हो कोई भी हो, ये लोग जैसे अगर ये क्लास आपको YouTube पर मिल रही है तो इस क्लास से YouTube को क्या प्रॉफिट है, YouTube को ये प्रॉफिट है कि इस क्लास पर एड आएगा, उस एड का पैसा YouTube को मिलेगा। अब अगर मैं एड बंद कर देता हूं तो YouTube का बवाल क्या हो जाता है, YouTube को क्या लफड़ा पड़ जाता है, YouTube ये कहता है कि फिर आपकी वीडियो मेरे किस काम की है, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी वीडियो मेरे किस काम की है, YouTube का कहना यह होता है। तो इस आप समझिएगा, इसलिए उसने 2-3 दिनों से आपने देखा होगा एक तो वीडियो की रीच कम कर दी है, क्योंकि मैं अभी तक आपका एड ऑफ करके क्लास ले रहा था, एड आते ही नहीं थे अपने कभी भी क्लास में, मैं हमेशा एड ऑफ रखा हूं, क्यों एड ऑफ रखता हूं, क्या आप डिस्टर्ब ना हो। तो अब उसने क्या कर दिया कि एक तो वीडियो की रीच कम कर दी, कहने का मतलब स्टूडेंटों तक वीडियो पहुंच ही नहीं रही है, जो बच्चा हमें फॉलो करता है बस उतने ही तक पहुंच पा रही है ना, और दूसरा नोटिफिकेशन देना बंद कर दिया है, तो अब मुझे वापस फिर से एड ऑन करना पड़ा है, बस इतना सा रीजन है। ठीक है भैया, सभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आया, हाँ नहीं आएगा नोटिफिकेशन, इन लोगों का बड़ा ड्रामा है भाई। ठीक है, आपको अगर सर्च करना है तो गूगल पे सर्च कर लेना। तो राज हेल्डर कह रहे हैं नोटिफिकेशन आया है गुरुजी, नहीं भाई नहीं आया, कमेंट पढ़ लो बाकी बच्चों के, आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा 8:30 बजे वाला, वो आपने अभी देखा होगा इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है बाबू, मुझे खुद पता है कि नहीं आया। चलिए अगले सवाल का आंसर करें जल्दी से, क्या होगा, बहुत ध्यान से मेरे साथी जल्दी। तो इसलिए आप सभी लोग आप अपना जो है अपने एंड से थोड़ा सा जरूर शेयर किया करें वीडियो को, और सभी लोग क्लास में अपनी लाइक ठोक दें, जितने भी साथी आप क्लास देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास में अपनी लाइक ठोक देंगे एक बार। ठीक है, मौली भाले राव, हम तो फुंतरू जी लवर हैं, ओके भाई लव यू। संजीव साहू, मैंने आज मास्टर ब्लास्टर कोर्स एनरोल हो गया हूं, प्लीज सर अब फीस कम नहीं करोगे प्लीज सर। भाई फीस उतनी ऑलरेडी बहुत कम है ना। आओ, एक किराना व्यापारी का दावा है कि 48 किलो रुपए प्रति किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी जो कीमत है ना वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। देखो, एक दुकानदार ये कह रहा है कि चीनी 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से लेकर आ रहे हैं और 48 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हैं। दुकानदार कह रहा है ये बात कि 50 के भाव से लेके आ रहे हैं, 48 के भाव से बेच रहे हैं। और लेकिन दुकानदार एक बड़ा गेम भी कर रहा है कि 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम ही कस्टमर को दे रहा है, तो इस सौदे में उसका लाभ बताओ। दुकानदार का दावा है कि चीनी मुझे 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 48 में दे रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ वो और क्या कर रहा है, वो वजन कम कर दे रहा है, 1000 ग्राम देना था और दे 900 ही ग्राम रहा है, तो इस सौदे में उसका लाभ कितना है ये पूछा गया है। कैसे करेंगे गुरुजी इस सवाल को, देखिए 7.5 आंसर बता रहे हैं रुपए से एलपी है ना, और
SKSSC 6.7 बता रहे हैं और बी ऑप्शन कई बच्चे बता रहे हैं, कई बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं। सो लेट अस लुक एट द बोर्ड ध्यान से। देखो भैया यहां दो मामले बनेंगे। पहला मामला कि अगर 50 रुपए की चीज को 48 रुपए के भाव से बेच रहा है दुकानदार तो उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है 50 पर, और 2 रुपए का लॉस जो है अगर 50 पर हो रहा है गुणा 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 4%। कहने का मतलब है कि दुकानदार को 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। साथ ही साथ वो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम वजन तोल रहा है तो यहां लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि लाभ निकालने का तरीका होता है जो नहीं दिया वो ऊपर और जो दिया वो नीचे। बताया था लाभ निकालने का तरीका, 100 ग्राम नहीं दिया और दिया कितना 900, जो नहीं दिया वो ऊपर जो दिया वो नीचे। तो 1/9 किसकी वैल्यू होती है 11 से 1/9% की होती है, इतना लाभ हो जाएगा। तो भाई 4% की वैल्यू 1/25 होती है, यानी 25 की वस्तु पर 1 का लॉस, तो 24 रुपए की बेचेगा और वहां उसको लाभ हो गया 9 रुपए की चीज पर 1 का प्रॉफिट, यानी 10 की बेच दी। ठीक है भैया, 25 नंबर 225 और ये आपका 240 हो गया। 225 की चीज 240 में बेचेगा तो 15 रुपए का प्रॉफिट होगा, 225 पर गुणा 100, 15 से ये 15 बार कटेगा, 15 × 6 = 90, 6.6666% आंसर आएगा, जिसको बी ऑप्शन लोग कह देंगे 6.7% इज द राइट आंसर ऑफ द सवाल। बोलो बात क्लियर है, जल्दी बताएं भाई। सभी लोग क्लास में लाइक ठोक दें, और रूपेश एएलपी बच्चे तुम बढ़िया स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, मेहनती हो, आंसर गलत मत किया करो, समझे पागल लड़के। सही आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में फालतू में लफड़ा पड़ जाएगा। मैंने तुमसे उस दिन कहा था टेस्ट में रैंक अच्छी आई है, अच्छी बात है, पर किसको कंटिन्यू मेंटेन करो, क्यों गलत आंसर कर रहे हो, कुछ भी जल्दी एकदम फेल दिया फालतू में 7.5 है। इतना लल्लू सवार गलत करोगे कैसे काम चलेगा भाई, बताओ। भाई कह रहा है कि 50 की चीज 48 में बेच रहे हैं तो 4% का घाटा हो रहा है उसे, और 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 1/9 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार लॉस हो गया, एक बार प्रॉफिट हो गया, सक्सेसिव लगा दिया, ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। क्या है सवाल में, कुछ नहीं। अगला सवाल मेरे भाई आज की क्लास का नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। एक एक स्टूडेंट जो हमारे साथ सीरियस होके जुड़ा है वो याद रखना मुझे इफेक्ट करता है, याद रखना इस बात का कि मैं एक एक स्टूडेंट पे अपनी नजर बना के रखता हूं और मुझे इफेक्ट करती है चीजें अगर आप गलत करते हो आंसर वगैरह, तो थोड़ा मेहनत करो, मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप सभी साथियों से। ठीक है भैया, बहुत मेहनत करी है मैंने आपके साथ, तो उसके लिए मुझे रिटर्न चाहिए आप सभी से। बोलिए, कह रहा है निम्नांकित आर्यक एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है, किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं। ये सवाल है मेरे भाई कि यहां पर ये आपको एक कोचिंग ए है, एक कोचिंग बी है, एक कोचिंग सी है, एक कोचिंग डी है और एक कोचिंग ई है, तो ऐसी कौन सी कोचिंग है जिसका एवरेज सबसे ज्यादा है। ये सवाल है, ऐसी कौन सी कोचिंग है जिसका औसत सबसे ज्यादा है, एवरेज सबसे ज्यादा है। सवाल समझ में आ गया, तो अब क्या निकालेंगे एवरेज। तो ये एवरेज हम सबका नहीं निकालेंगे बल्कि हम दिमाग से चलेंगे, डीआई में भी दिमाग लगाया जाता है, जैसे बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी वाले का एवरेज क्या होगा, तो बी को देखो और सी को देखो, सी कहां है, यहां पर है। अब देखो बी के दोनों ग्राफ 101 और 93 पे पहुंच रहे हैं, भाई जिनका जोड़ ज्यादा होगा, जिसका योग ज्यादा होगा, उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। तो जो बी डायग्राम है, बी डायग्राम, बी के तीनों ग्राफ जो हैं वो लगभग सी से बड़े हैं, लगभग मेरे भाई सी से बड़े हैं। देखो ये इससे बड़ा है ना, ये बस 3 का ही गैप है, लेकिन 93 और 71 में बहुत बड़ा गैप है। कहने का मतलब है कि जो सी है उसका एवरेज बी से कम होगा, ये तय है, तय हो गया। आगे आओ बी और ई में देखो, जैसे भैया बी यहां पर है, ये वाला बी है, ठीक है ध्यान से सुनना, और ये वाला ई है। तो बी देखो यहां पर, ये डायग्राम देखो थोड़ा सा, और ई के डायग्रामों को देखो ध्यान से। अब देखो यहां 93, 76 और 101 है, यहां 88, 93 और 90 है, तो एक्चुअल में जोड़ जिसका ज्यादा उसका एवरेज ज्यादा। तो इनका जोड़ कितना आएगा, तो इनका जोड़ कैसे निकालेंगे, इनका 93, 76 और 101 को जोड़ दो। ठीक है भैया, 93, 76 और 101 को जोड़कर भाग लगा दो 3 का, ये किसका एवरेज है, ये बी का एवरेज है। और ई का एवरेज कैसे निकालेंगे, ई का एवरेज निकालेंगे 88 प्लस 93 प्लस
90, ठीक है। ये किसका एवरेज आएगा भैया? ये ई का एवरेज आएगा, ई का। तो देख लो कि इन दोनों में से ज्यादा कौन है, क्योंकि एक ऑप्शन डी है और डी यहां लिखा है, और डी का एवरेज जो है वो इन दोनों के ग्राफ से छोटे छोटे ग्राफ हैं। देखो बी के ग्राफ बड़े हैं और ई के ग्राफ जो है वो सारे एकदम इक्वल टाइप में, लेकिन ये ग्राफ थोड़े छोटे हैं, ये नंबर थोड़े छोटे हैं, तो इनका योग कम आएगा। तो कॉम्पिटिशन मेरे भाई किसमें है? बी और ई में है, ये करीबी मामला है, तो देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो यहां सबको जोड़ दो मेरे भाई, कैसे जोड़ोगे? देखो सबसे पहले 90 में 70 जोड़ दो 160, और 100 जोड़ दो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 260, ठीक है। और 6 3 9 1 10 270/3, तो 3 नंबर 27, बी का एवरेज आएगा 90, ठीक है भैया। अब इनको जोड़ दो यहां पर, तो 80 और 90 170, 170 और 90 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 260 और ये 11, 271/3, वाओ 271/3, 3 नंबर 27 जीरो बढ़ाएंगे 90 पॉइंट, अरे भाई साहब मजा आ गया मजा, तो 90.2 के समथिंग आएगा है ना इसका एवरेज, ई वाले का 90.2 के समथिंग, और जबकि बी का कितना आ रहा है 90, तो ज्यादा किसका है भैया एवरेज? ई का ज्यादा है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला यहां पर आपको मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये सवाल डीआई का कैसा है? बढ़िया सवाल है, ठीक है। 271 विनायक मोड, बहुत अच्छी बात है भैया। बी का 90, ई का 90.33, भाई ये लड़का भी हमारे साथ बहुत अच्छा जुड़ा है, वेलकम है मेरे भाई आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे ऐसे ही मेहनत करो मेरे भाई। बिल्कुल सही आंसर दिया है इस लड़के ने, ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा, ई इज द राइट आंसर। ई का एवरेज थोड़ा ज्यादा है, हल्का ही सा ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, 90, एक का 90, एक का 90.2 है, थोड़ा सा ज्यादा है बस। देख रहे हो एक का योग 270 था और एक का योग 271 था, कहने का मतलब केवल एक की वजह से मामला बिगड़ गया, समझ रहे हो। अगला सवाल बताओ ध्यान से, चालान कटने से कई बच्चों ने अपना बचा नहीं पाया इस सवाल में। अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है मेरे भाई कॉस ए बटे 1/sin A, इसका सवाल अगर इसका आंसर अगर देखते ही नहीं कर पाए तो फिर मेरे भाई समझ लेना कि तुम्हारी पढ़ाई अभी खराब चल रही है, तुम सही तरीके से रिविजन वगैरह नहीं कर रहे हो। अगर तुमने इसका आंसर देखते ही नहीं ठोंक पाया, मैंने कराया है ये सवाल तुम्हें डिट्टो, हूबहू अंक मैच हुए इस सवाल में, कितने बच्चों को याद है बताओ? 90.3 आएगा गुरुजी, 90.3 आएगा, तो देख लो ना भाई, 3 नंबर 27 जीरो, यहां बचेगा आपका 11 और 3 तुरका 9, तो 90.3 कर दो, जब 11 बचेगा तो तीन ही बार तो जाएगा, इतनी अकल तो यार होनी चाहिए। और ये भाग भी आपको नहीं लगाना है, एक का योग 270 है, एक का 271 है, तो जिसका ज्यादा योग होगा उसका एवरेज भी थोड़ा ज्यादा होगा, खत्म बात, ठीक है, अकल सीखो। इस सवाल का आंसर देखते ही आपका आना चाहिए, और कई बच्चों का आ भी रहा है कि 60 डिग्री आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बुलंद मेरे भाई, सारे बच्चे 60 डिग्री कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, ये चीज देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंक मैच हुए हैं, ये मैंने डायरेक्ट आपको बहुत पहले ही सवाल करा दिया था ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी तभी, ठीक है भैया। और इसमें कुछ नहीं है, 60 डिग्री एंगल वेरीफाई करेगा, 4 ही आएगा जब आप 60 डिग्री रख के सॉल्व करेंगे। जैसे कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और साइन 60 का क्या होता है? √3/2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहां देखो cos 60 का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है, ये जब इनको LCM लेके सॉल्व करोगे तो 4 ही आएगा। अब आप ये कहेंगे सर वैल्यू पुटिंग से तो ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है, सही बात है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि आप LCM लेंगे फिर 2 से 2 काटेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब देखो थोड़ा सा बता देते, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है हल्का सा, क्योंकि ये हो जाएगा कितना? 2 - √3/2, ठीक है भैया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + √3/2, ठीक है, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और मेरे भाई यहां LCM लेना पड़ेगा हमें, 2 + √3, 2 - √3, √3 से √3 ऊपर कट जाएगा, 2 2 4 ऊपर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 - 3 1, तब 4/1 आएगा। तो जल्दी कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो इस सवाल का बेसिक तरीका भी आपको थोड़ा सीख लेना है, क्योंकि कई बार यहां 4 की जगह पर 2 लिख देगा और तुम्हारा चालान कट जाएगा। आई रिपीट कि ये सवाल भी पेपर में आया है 2 लिखकर, ठीक है, और ये सवाल 4 लिखकर, दोनों ही लिखकर पेपर में आया है। अच्छा मेरे भाई एक बार यस सर लिखना जरा कमेंट बॉक्स में, कितने बच्चों को याद है कि मैंने आपको जब बैच में पढ़ाया था तो ये दोनों ही सवाल कराए थे, 4 वाला भी और 2 वाला भी, कितने बच्चों को याद है जल्दी बताएं, कितने बच्चों को याद है मेरे भाई एक बार जल्दी से यस सर लिख दो भैया, 4 और 2 दोनों वाले सवाल कराए हैं, तो एक्चुअल में 4 वाले का 60 होता है, 2 वाले का निकालना पड़ता है, तो गेम हो जाएगा फिर आपके साथ। सो आपको बेसिक वाला तरीका भी थोड़ा सा देख लेना है कि कैसे करेंगे, बेसिक आसान होता है इसका, ये कॉस कॉस लिखा है इसको कॉमन ले लो, है ना, बेसिक में भी थोड़ा फुंतरू लगा देंगे, कॉस कॉस कॉमन ले लेंगे, और 1 + sin A इधर हो जाएगा, 1 + sin A इधर हो जाएगा, और 1 - sin A इधर हो जाएगा, 1 - sin A इधर हो जाएगा, बटे 1 - sin 1 + sin 1 - sin²
क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, ठीक है भैया। तो दो बटा कॉस ए बराबर चार, तो दो से चार दो बार कटेगा, तो कॉस ए ऊपर जाएगा, एक बटा दो हो जाएगा, तो कॉस साठ का ही मान एक बटा दो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेसिक आसान है इस सवाल को करने का। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। अगला सवाल का आंसर बताएं ध्यान से। नेक्स्ट, यस सर यस सर यस सर, सभी बच्चों ने लिख दिया है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे भाई। भाई सभी लोग क्लास में लाइक ठोक दो, मैं इधर बहुत मन से पढ़ाता हूं लेकिन जब मैं पीछे देख रहा हूं तो क्लास में देखो 250 बच्चे लाइव हैं आप इस समय पर, आप क्लास में लाइक नहीं ठोक रहे हैं, गलत बात है कि नहीं बताइए। अगर दो रहेगा तो जीरो डिग्री होगा संजीव साहू, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है संजीव जी की आपको याद है, मैंने चार और दो दोनों के ही कराए हैं, चार भी लिखकर कराया है, दो लिखकर भी कराया है, ठीक है भाई। सभी साथी क्लास में अपनी लाइक ठोक दें जल्दी। चलिए नेक्स्ट सवाल बताएं, ये ए बी प्लस 18 के अनुक्रमण, ओहो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस 18 व्हेन बी बराबर 36, ए बराबर 108, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी बराबर 68। मोस्ट इंपोर्टेंट का टिक लगा, इस पे ये लिख ले, इस पे लिख ले मेरे भाई, यहां पर ये सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा, ठीक है, ये सवाल इस बार रेलवे के पेपर में आएगा, गारंटेड है मेरे भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा सवाल है और पहले भी बहुत बार आ चुका है, और ये इस बार इसलिए आएगा, ये कई बार आ चुका है अलग अलग कंपटीशन में, इस बार क्यों आएगा, क्योंकि इस बार आया है, मतलब वापस आ चुका है ये सवाल मार्केट में, इसलिए अच्छा है। अब क्या है इसमें गेम क्या है समझो, ये देखो कह रहा है कि जो ए, ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का सवाल है, बोल रहा है जो ए है ना ए, ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी प्लस 18 के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आप सबको पता होगा, अनुक्रमानुपाती है, और अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स में यह बताया गया होगा कि जब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो मेरे भाई बराबर का सिंबल आता है, बराबर का, और अगर बराबर का लाओगे तो एक कोई कांस्टेंट आपको यहां ऐड करना पड़ता है, बी प्लस 18, बोलो याद है, अरे बोलो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे और बराबर लगाओगे अगर, तो एक साथ में कोई कांस्टेंट अटैच करना पड़ेगा, फिजिक्स में सिखाया जाता है, बिल्कुल सर सही बात है। तो सवाल कह रहा है बी बराबर 36 होने पर ए बराबर 108 है, तो बी बराबर 36 होने पर जो ए है वो कितना है मेरे भाई, 108 है, यहां से तुरंत एक्स की वैल्यू निकालो अर्जेंट में, 18 36 54 54 दूनी 108 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितने भैया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब सवाल कह रहा है जब बी बराबर 68 है तो ए का मान बताओ कितना होगा, तो अब बी की जगह पर क्या रख देंगे भैया हम लोग, 68 रख देंगे, ठीक है, 68 प्लस 18, और मेरे भाई जो ये एक्स था इसकी वैल्यू कितनी आई है 2, तो इसमें 2 का गुणा होगा, और यही जो ऊपर लिखा हुआ है यही ए की वैल्यू होगी, ठीक है भैया, तो 68 और 18 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा मेरे भाई 70 16 86 दूनी 172 आंसर आ गया सवाल का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है भैया, बोले जल्दी, बात की गहराई नाप गए सभी लोग, बात क्लियर हो गई, सवाल समझ में आ गया, यहां एक वर्ड लिखा है अनुक्रमानुपाती, इसका एक मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए जो है वो बी प्लस 18 के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शब्द हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा एक्स, जब बराबर लगाते हैं तो यहां ए बराबर, जब बी बराबर 36 था तो ए बराबर 108 था, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब कह रहा अगर बी बराबर 68 है तो ए बराबर क्या होगा, तो मेरे भाई बी की जगह 68 और 18 कितना हो जाएगा 86, और 86 में जो एक्स लिया था हमने 2, उसका गुणा कर देंगे, आंसर 172 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बताएं ध्यान से, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बताइए जल्दी। अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी की स्क्रीन पर रहा, बोलिए आंसर क्या होगा, 172 इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, थोड़ा स्पीड में सभी लोग आंसर करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा अगर स्पीड में आंसर कर देंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, थोड़ा आंसर आप लोग बड़ा स्लो कर रहे हो, बड़ा मतलब टेंशन में हो एकदम से कि समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से सवाल एकदम से लेवल बदल जाता है ये वो, तो थोड़ा दिमाग पे काम करो, ऐसे ऐसे ये हैं जो ऐसे इनको ऐसे कर लो, ठीक है, बाल अगर बड़े हो गए तो गंजी करा लो 2 महीने तक के लिए, समझ में आ रहा है। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकेंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकेंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है, ये सवाल है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सवाल ये है कि जो दौड़ है वो 1170 मीटर की है, ठीक है, दो लड़के दौड़ रहे हैं, एक लड़का रमन दौड़ रहा है और एक लड़का मेरे भाई मोहन दौड़ रहा है, तो रमन की जो रमन जो टाइम लेता है इस दौड़ को खत्म करने में वो 65 सेकेंड का है, तो रमन की स्पीड क्या होगी, रमन की स्पीड होगी 1170/65 यानी कि 13 निम्मा 170 13/65 और 5 से 90 कटेगा कितने बार मेरे भाई, 13/65
और 5 से 90 कटेगा 18 बार, तो रमन की जो स्पीड होगी वो मेरे भैया कितनी होगी, वो 18 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम मोहन की स्पीड निकालें, मोहन की स्पीड, तो मोहन की चाल क्या होगी, 1170/90, तो कितना मोहन की चाल होगी, 13, मोहन की चाल हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड और रमन की चाल हो जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया, रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया। तो रमन की जो, मोहन की जो स्पीड है वो 13 मीटर पर सेकेंड है और रमन ने मोहन को हराया है, तो मेरे भाई जो रमन को टाइम लगा है वो 65 सेकेंड का लगा है, तो उन 65 सेकेंड तक तो जो मोहन है वो कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 13 का गुणा करो 65 में। देखो वो टाइम रमन का है लेकिन हम 13 का गुणा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं कि मोहन ने उन 65 सेकेंड में जितने में रमन ने दौड़ पूरी की है कितनी दूरी चली होगी, किसने, मोहन ने, तो मोहन की दूरी निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो 5 या 15 की 5 हो जाएगा, सॉरी 13 + 65 की 5 कर दो, हासिल कितना आ जाएगा मेरे भाई आपका 6 आ जाएगा, 13 × 6 = 78 हो जाएगा, 78 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 84, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 845 मीटर। ये 845 मीटर पता है तुम्हें किसकी दौड़ है, ये 65 सेकेंड में मोहन के द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है, 65 सेकेंड में। तो भैया कितने मीटर से हराएगा, तो टोटल दौड़ जो है वो 1170 मीटर की है, 845 मीटर पहले ही उसने जो है अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली है, किसने, रमन ने, ठीक है। तो मेरे भाई रमन ने 845 मीटर पहले ही कंप्लीट कर लिया है, अगर तो कितने मीटर से हरा दिया है बताइए, कितने मीटर से हरा दिया है बोलो मेरे भाई, 325 मीटर से हरा दिया है, आई थिंक, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है रेस चैप्टर का, समझ में आ गया बताए, 325 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, बोलो क्लियर है जल्दी बताइए मेरे भाई, 325 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ किया नहीं किया, क्या देखिए, दोनों की रमन की और मोहन की चालें निकाल ली, अब जो रमन है उसको 65 सेकंड लग रहे थे दौड़ को पूरा करने में और मोहन को 90 सेकंड लग रहे थे, रमन ने मोहन को हराया है, मतलब रमन जो है वो विजेता है, रमन को सेकंड कितने लगे 65, तो हमने कहा कि मोहन की चाल 13 है, तो रमन ने जितने समय में अपनी दूरी, मतलब जितने समय में अपना रेस कंप्लीट किया है उतने समय में इसने मोहन ने कितनी दूरी तय की होगी, 845 मीटर की दूरी तय की होगी और टोटल रेस कितनी थी 1170 मीटर की, तो कितना मीटर से हरा दिया, 325 मीटर जब मोहन के बचे थे, मोहन के जब 325 मीटर बचे थे तब रमन फाइनल बिंदु पे पहुंच गया था, ये है पूरा गेम, ठीक है भैया। अगला सवाल बताइए ध्यान से, नेक्स्ट, मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज आपके दिमाग में एकदम प्रिंट कर दूं, इसलिए इतना फोकस करता हूं, इसलिए इतना चिल्लाता हूं, इसलिए इतना लाउड वॉइस में बात करता हूं कि दिमाग में छप जाए मेरी बात, समझ रहे हो। चलिए अगला सवाल, एक 11 अंकीय संख्या दे रखी है, ये 18 से विभाजित है, तो x का मान बताइए, आप बताओ इस पृथ्वी की कोई संख्या अगर 18 से विभाजित है तो 9 और 2 से भी विभाजित होगी, बोलो अगर इस पृथ्वी पर कोई संख्या है और वो 18 से कट रही है तो वो 9 से भी कटेगी और वो 2 से भी कटेगी। अच्छा, 2 से कटने के लिए इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर, तो जो x है वो एक इवन नंबर होगा, तो हालांकि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इवन ना हो, तो यानी कि ये वाली बात तो हमारी होगी, मान लो एक दो ऑप्शन अगर ऑड होते तो वो तुरंत हटा देते हम, क्यों, क्योंकि 2 से कटेगा तो लास्ट में इवन नंबर ही आएगा, अब सारे ही ऑप्शन इवन नंबर है तो एग्जामिनर चालू है थोड़ा, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा 9 का, ठीक है। 9 का भाजकता नियम क्या होता है, अंकों का योग, तो 8 और 7 15 और 2 17 और 3 20 और 3 23 और 2 25 और 6 31 और 8 39 और 6 45 और मेरे भाई 45 9 से कट जाता है तो इसको हटा दो, या 7 बचा केवल और एक x बचा, बताओ x की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, 2, क्योंकि 7 में जब 2 जोड़ोगे तब 9 से वो नंबर कटेगा, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे मित्र, 2 होगी, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, क्लियर है मेरे भाई, बोलिए 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। नंबर सिस्टम चैप्टर से ये डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है, भाजकता नियम का। अगला सवाल, भाजकता नियम के और भी बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, वो भी आपके आगे वाले आने जो सेट आगे आएंगे उनमें मैं लूंगा। चलिए सवाल नंबर 10 का आंसर बताइए मेरे भाई, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, बोलिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान 2/5 है, तो 1 + cot² x / 1 - cot² x का मान बताओ क्या होगा, ध्यान से बताएं मेरे भाई, अगर sin x - cos x जो है वो 2 है और sin x + cos x जो है वो 5 है,
तो 1 प्लस cot स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर x, वाओ सुपर। देखिए इसको हिट एंड ट्रायल से उड़ा देते हैं, हिट एंड ट्रायल से उड़ाएंगे तो बहुत सही रहेगा। अगर आप इसमें बेसिक मेथड लगाएंगे तो खुरपे हाथ में आएंगे, बेसिक लगाते ही रह जाओगे पेपर में। एक्चुअल में हिट एंड ट्रायल में क्या करना पड़ेगा, जो इधर रेशियो लिखा है उसमें ऊपर नीचे दो का गुणा कर दो, ऊपर नीचे दो का गुणा कर दो। जब ऊपर नीचे दो का गुणा कर दो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया पता है तुम्हें, जैसे यहां गौर से देखना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर अब हमारा कितना आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। एक्चुअल 4/10 भी तो 2/5 है, 4/10 जो है वो भी 2/5 है, लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत बड़ा गेम है फिर यहां पर, कि साइन एक्स को 7 मान लो और कॉस एक्स को 3 मान लो, हिट एंड ट्रायल से साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। समझे, हिट एंड ट्रायल से साइन एक्स की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, 7 और 3, 7 माइनस 3 4, 7 और 3 10। अब कुछ करना ही नहीं है क्योंकि कॉट की वैल्यू होती है कॉस बटा साइन, तो 1 प्लस 3/7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 बटे 1 माइनस 9/49, ठीक है भैया, तो 49 माइनस 9 ये हो जाएगा 40/49, और 49 और 9 ये हो जाएगा भैया 58/49, ठीक है, 58/49 से 49 कट जाएगा और इसको काट लेंगे 58 और 40 को, 2 से काट लो 58 को 29 आएगा, 2 से काट लो 40 को 20 आएगा, तो 29/20 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया देखो ये बहुत ही बवाल आदमी है, कह रहा भाग भी लगाओ, तो 20 से कम 20 एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे 3, 5 या 2 से शुरू हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.45, ठीक है भैया, समझ में आ गई मेरी बात, तो यस सर दर्ज कराएं और क्लास में अपनी लाइक ठोक दें। अगर कंटेंट पसंद आया, कंटेंट के अलावा इसका सॉल्यूशन करने का अंदाज अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो जरूर सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर एक बार जरूर ठोकेंगे मेरे साथियों। मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर, जल्दी से बताएं, ठीक है मित्र। कल मैंने कमेंट पढ़ा था मास्टर ब्लास्टर वाले एक बैच पर, किसी बच्चे ने लिखा था कि सर ये किताब तो हम खुद भी कर लेंगे तो हम ये बैच क्यों लें। तो भैया पहली बात तो ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुद तुमसे होती नहीं है, ये 100% तय है। 2, 4, 5, 10 दिन का जोश होता है फिर ठंडा पड़ जाता है, एक टीचर के साथ रहकर करोगे तो जल्दी चीजें हो जाएंगी। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि सॉल्यूशन, उस किताब का जो सॉल्यूशन है हर सवाल का वो बेसिक दिया हुआ है। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा स्मार्ट, दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है। जैसे आपने इस सवाल में देखा कि अगर हम इसको बेसिक से करें साइन कॉस वगैरह उसको चेंज वगैरह करके तो फालतू में लफड़ा हो जाएगा है ना, लेकिन अगर हम क्या कर दें, जो सामने रेशियो लिखा था 2/5 उसको अगर हम 4/10 बना के और हिट एंड ट्रायल लगा दें कि 7 माइनस 3 4 और 7 और 3 10, तो सीधा वैल्यू आ जाएगा और आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, तो गहराई नापने की बात है। अगला सवाल, नेक्स्ट। बिकी भगत सर 3 से अगर मल्टीपल करते तो 3 से करके देख लो, हिट एंड ट्रायल अगर वहां पे कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए तो उनसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 3 से होंगी नहीं वैल्यू सेटिस्फाई, समझ रहे हो, 2 से आसानी से हो रही थी तो तुरंत मैंने कर दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भैया, बोलिए। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बताएं जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री है। देखिए भैया आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मेरे भाई लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, चाप की लंबाई का सूत्र होता है। तो चाप की लंबाई का सूत्र हमने लगाया, थीटा हमें 108 दिया है और नीचे 360 है और गुणा 2 × π की वैल्यू 22/7 हमें रखनी है और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। 36 * 108 होता है और 36 से 10 बार कटेगा मेरे भाई, 7 से 7 को उड़ा दो यहां पर आप बड़े मोहब्बत से, ठीक है, 22 × 44 और 44 * 132 होता है जहां तक मुझे याद है, 44 * 132 होता है, ठीक है, 132/10 कितना आंसर आ जाएगा, 13.2 आएगा, बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द सवाल, क्लियर है, बोलो 6.6 क्या पूछा है, भाई 13.2 आ रहा है, क्या कर रहे हो, डी ऑप्शन कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा मेरे भाई, आपसे लेंथ ऑफ आर्क ही तो पूछा है, 36 * 108 36 से 10 बार कटेगा, 7 से 7 कट ही जाएगा, अच्छा एक गेम है यहां पर, एक्चुअल में गेम यह देख रहे हो यहां पर भैया, थोड़ा सा मैंने नहीं पढ़ा,
देखो भैया यहां लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर व्यास, एक्चुअल में ये आपकी व्यास है, डायामीटर है, तो त्रिज्या निकालने के लिए 7/2 करना पड़ेगा, आधा त्रिज्या का। तो जब 7/2 करोगे तो 13.2 का भी आधा हो जाएगा, तो ये 6.6 के समथिंग ही आ जाएगा, क्योंकि 66 दूनी 132 होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 7/2 होगा क्योंकि भैया वो डायामीटर दे रखा है, ठीक है, डायामीटर दे रखा है मेरे भाई। ठीक, देखिए ये क्लास लेने का एक और फायदा बताऊं, अगर रियल में एग्री हो तो यस सर जरूर लिखना मेरे भाई, रियल में, अगर हर समझदार बच्चा मेरी बात को समझेगा, अगर रियल में एग्री हो। देखो सवाल का लेवल अपने आप में बढ़िया है इस क्लास का, पहला पॉइंट, और दूसरा कि जिस मास्टर से आप पढ़ रहे हो, ये मास्टर ने आज तक अपनी लाइफ में जब से पढ़ाना शुरू किया है, कभी भी क्लास से पहले इन पीडीएफ पर नजर भी नहीं जाती है मेरी कि इन पीडीएफ में सवाल क्या है या लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो बाकी लोगों की तरह नहीं होता है कि वो पहले से एक एक पीडीएफ को 10-10 बार खुद सॉल्व करते हैं बैठकर, है ना, यूट्यूब पर वीडियो भी डाल देते हैं कि रात में 3 बजे क्या कर रहे हैं, तो वो सॉल्व कर रहे होते हैं सवाल, आपको लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो कल सुबह आपको पढ़ाना है, लेकिन आपके सामने एक ऐसा मास्टर खड़ा हुआ है जो ये काम नहीं करता है, तो इससे प्रॉफिट क्या है आपको? इससे प्रॉफिट ये है कि जैसे मेरे से ये गलती हुई, यहां पर क्या गलती हुई कि यहां व्यास लिखा था, डायामीटर, मैंने डायामीटर नहीं उतना ध्यान दिया और डायरेक्ट यहां रेडियस लिख दिया, है ना, तो सवाल का आंसर जो है वो 13.2 आ गया, लेकिन अगर ये व्यास है तो रेडियस आधी हो जाएगी, तो अब आप ये कभी गलती नहीं करेंगे, ये मानते हो मेरी बात, अब आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि आपको याद रहेगा कि अच्छा ये चीज भी देखनी होती है एक बार, है ना, क्लास में ऐसा हुआ था। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। अब उम्मीद करूंगा हर समझदार और सीरियस बच्चा मेरी बात को जरूर समझ रहा होगा, हंसिएगा नहीं, सच बता रहा हूं सच बता रहा हूं, आप जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना, सर रात के 3 बजे क्या कर रहे हैं, सर रात के 3 बजे घुइयां थोड़ी छील रहे हैं, सुबह क्लास लेनी है, उसके सवाल सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल मेरे भाई आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, ये वो बातें हैं जो तुम सभी लोगों को समझनी चाहिए, एक्चुअल में समझ जाओगे तो मतलब एक अच्छे इंसान हो तुम, मतलब मैच्योर इंसान बन जाओगे, ठीक है, मैच्योर इंसान बन जाओगे, मैच्योर, समझ रहे हो, और नहीं समझ पा रहे तो मैच्योर हो ही नहीं, मैच्योरिटी नहीं है आप में, चलिए अगले सवाल का आंसर बताइए, हंसी मजाक तो चलता रहेगा भाई, सभी लोग क्लास में अपनी लाइक ठोक दें अगर मेरी बात आपको सत्य लगी हो, ठीक है, बताइए किसी वृत्त की दो जीवाएं ABCD वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर मिलती हैं, यदि AP बराबर 200 है, AB बराबर 120 है, CP बराबर 160 है, CD की लंबाई बताओ, क्या लगाएंगे यहां पर, जीवा वाली वो थ्योरम, पता क्या कह रहा है सवाल, जैसे एक ये वृत्त है तो इस वृत्त की दो जीवाएं हैं, जो उन जीवाओं का नाम क्या, AB और CD, तो एक ये जीवा AB है और एक ये जीवा CD है, ये बाहर एक बिंदु P पर मिल रही है, ठीक है भैया, और इनका नाम क्या है, इनका नाम AB है भैया, और इनका नाम क्या, इनका नाम CD है, और इन सबकी लंबाई भी आपको दे रखी है, बोलता है कि जो AP है वो 200 है, यानी ये पूरी लेंथ 200 है AP, ठीक है भैया, ये 200 मीटर है पूरी लंबाई AP, और बोलता है कि AB 120 है, यानी AB 120 है, तो बताइए जो BP होगा ये 80 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिर बोलता है कि CP 160 है, यानी ये पूरी जो CP की लेंथ है ना, ये पूरी ये भैया 160 है, ठीक है, तो CD की लंबाई पूछ रहा है, ये वाली लंबाई पूछ रहा है। अब मेरे भाई आपको थ्योरम पता है, आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई है, अंदर बाहर कर दो, क्या कहा था, अंदर बाहर कर दो आंसर आ जाएगा, कहा था, तो अंदर बाहर आप भी कर दो, क्या करना है, पूरा पहले अंदर ले जाओ PA, ठीक है भैया, इसके बाद क्या कर दो बाहर PB, ठीक है भैया, ऐसे आप याद रखेंगे तो याद रहेगा, पूरा पहले अंदर ले जाओ PC और इसके बाद क्या कर दो बाहर कर दो PD, ठीक है भैया, ये काम करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, पहले पूरा अंदर ले जाइए, फिर बाहर, फिर से अंदर और फिर बाहर, बस इतना सा गेम है। तो यहां पे PA की लंबाई कितनी थी भैया, 200 थी, यहां PB की लंबाई कितनी थी, 80 थी, यहां PC की जो लंबाई है यानी पूरा PC ये कितना था, ये 160 था, तो यहां PD की लंबाई पहले आपको निकालनी पड़ेगी, यहां पे PD की लंबाई क्या होगी वो आप निकालिएगा, तो 80 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 100 बार, तो यहां जो 100 आएगा ये PD की लेंथ आएगी, जबकि हमें CD की निकालनी है, तो 100 वालों का कट गया, कई बच्चों ने स्टार्टिंग में 100 दे दिया था, तो CD की लेंथ आएगी भैया 60 मीटर, क्यों, क्योंकि ये 100 है और पूरी 160 है, तो CD कितना बचेगा, CD बचेगा 60 मीटर, बी ऑप्शन, ठीक है, तो किन का कटा, जिन बच्चों ने 100 आंसर दिया था, बोलो बात समझ में आ गई, 100,
ये क्या हो रहा है भाई, सीढ़ी की तो लंबाई पूछी जा रही है, तो 160 जो है वो सीपी की लेंथ है ना, और डीपी कितना आया हमारा पूरा अंदर पीसी और फिर पीडी, ठीक है, तो 160 ये 100 आया है, तो ये पीडी की लंबाई 100 आई है पूरी 160, तो सीडी तो 60 होगी ना, ये 100 वालों का तो सबका कट गया, अब पूरा कमेंट सेक्शन का कट गया भैया। इस समय पर आप सारे बच्चे गलत हैं, ठीक है, इसमें सबका कट गया, तो एग्जामिनर ऐसे कटवा रहा है, तो थोड़ा समझिए इस क्लास का अपने आप में बड़ा लाभ है, ठीक, समझ रहे, अपडेटेड सवाल की क्लास है ये, जो प्रेजेंट पैटर्न है, और प्रेजेंट पैटर्न में कटवाने के तरीके तो एटलीस्ट आप सीख रहे हो कि एग्जामिनर प्रेजेंट पैटर्न में कटवा कैसे रहा है, ठीक है भैया। आंसर 60 आएगा, 100 नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आज की क्लास का, अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी के सामने रहा, बोलिए। अगला सवाल मेरे भाई जल्दी से, मेरा नहीं कटा, हाँ जो लोग आंसर 60 दे रहे थे वो बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए। आर पहले दिन चाल वी से टी समय में एक्स दूरी तय करता है, अगले दिन 0.75 टी समय में 2.5 एक्स दूरी तय करता है, तो बताइए अगले दिन उसकी चाल की। ओहो ओहो मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगाए और लिखे भैया न्यू क्वेश्चन, ठीक है, नया सवाल आस्क्ड बाय टीसीएस एग्जाम इन 2024। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें सवाल में होगा क्या, कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है आर, अब वो वी उसकी स्पीड है, टी उसका समय है और एक्स उसकी दूरी है, ठीक है, तो बताइए कि एक्स अगर उसकी दूरी है तो एक्स बराबर वी गुणा टी होगा, भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है, ठीक है सर, बात की गहराई क्लियर है। यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, x बटा t आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है, ये v की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि चाल पूछा गया है, ध्यान से समझे, और ये कह रहा अगले दिन उसको टाइम इतना लगता है और उसकी जो दूरी वो तय करता है वो इतनी तय करता है, तो चाल बताओ, तो भैया अगर अगले दिन हमें चाल निकालना, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन समय, है ना, तो डिस्टेंस कितना है 2.5x है और समय कितना है 0.75 है, ठीक है, 0.75 t, और x बटे t की वैल्यू क्या है भैया v, तो x बटे t की वैल्यू क्या है बाबू v है v, तो ये जो हाँ x बटे t था ना, यहां पर एक जगह बस v रख देंगे और इसको मोहब्बत से सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहां और मेरे भाई यहां क्या बढ़ जाएगा, या फिर एक काम कर सकते हो आप लोग, ऊपर भी गुणा कर देंगे हम इस नंबर में 100 का और नीचे भी गुणा कर देंगे हम इस नंबर में 100 का, तो ऊपर कितना आ जाएगा 250 और नीचे कितना आ जाएगा 75 और यहां v 25 थी या 75 और 25 दाएं 250, 10/3v इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कितने बालकों को मेरी बात समझ में आ गई और कितने बालकों को यह सवाल एकदम बहुत अच्छा लगा और कितने बालकों को ये सवाल बिल्कुल नया लगा और पहली बार आप कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। गणित में समय, दूरी और चाल एक चैप्टर होता है, वहां से ये सवाल बनाया गया है थोड़ा सा घुमा फिराकर, ठीक है, पर अगर आप कर लेंगे अब एक बार, जैसे आपने कर लिया आज, तो आपका कभी गलत नहीं होगा पेपर में, क्योंकि नया नहीं रहा आपके लिए, ठीक है, जो नए सवाल एकदम से आ जाते हैं उनमें समस्या आती है, अब अगर ऐसा कभी दोबारा आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है, बोलिए क्लियर है गहराई। सभी साथी क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें मेरे भाई, बार बार आपसे बोलता हूं और आप नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं गलत बात है, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे मेरे भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन, अद्भुत, चलें आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छा, अगला सवाल बताइए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को 3 और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है भैया, ए को लग रहे हैं 3 घंटे और बी को लग रहे हैं 6 घंटे, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 2 और 1 हो जाएगा, अब अगर वो एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि एकांतर दिन पे काम कर रहे हैं और एकांतर दिन का मतलब यह होता है कि पहले दिन ए 2 करेगा, दूसरे दिन बी 1 करेगा, तो टोटल 2 दिन में मेरे भाई 3 यूनिट काम हो जाएगा, करना 6 है तो मेरे भाई कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यहां डाटा घंटे में था तो 4 घंटे आप आंसर लगा देंगे, ये 2 घंटा यहां लिख देंगे और यहां आ जाएगा आपका 4 घंटा, ठीक है भैया, यहां क्या आ जाएगा 4 घंटा आ जाएगा,
तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 घंटा। देखो कई इतने भी बड़े मूर्ख हैं लड़के कि जैसे मैं अभी ये क्लास ले रहा हूं और यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और वो क्या कर रहे हैं कि क्लास में जैसे उन्होंने सुन लिया कि सर ने कोर्स के बारे में जानकारी दी, अब वो ये इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ के कोर्स लेने जा रहे हैं। आप देखो इधर, तो ये अपने आप में मूर्खता मत कीजिएगा, ये क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप बाद में इन सारी चीजों को किया करिए, क्लास के बाद, ठीक है? इतने मूर्ख प्राणी। चलिए अगला सवाल का आंसर बताइए जल्दी से, ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सवाल नंबर 16 का आंसर क्या होगा, कृपया आराम से करें, चालान ना कटवाएं, एकदम भरभरा के आप फ्री फंड का, ठीक है? हालांकि तुक्का भी लगाओगे तो सवाल का आंसर सही आ जाएगा, हालांकि एग्जामिनर ने इसको कठिन बनाने की नाकाम कोशिश की है, ठीक है? एग्जामिनर ने इस सवाल को कठिन बनाने की नाकाम कोशिश की है, नाकाम। एक्चुअल में उसको एक ऑप्शन जो है, मतलब दो ऑप्शन जो है वो बिना बटे में लिखने चाहिए थे, और दो ऑप्शन बटे में लिखने चाहिए थे, तब सवाल अच्छा बन पाता है। अबे लल्लू सवाल है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, ए गुणा ए है तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी गुणा बी है तो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए गुणा बी है तो भैया ए बी लिखा हुआ, ए बी नीचे देखो, ये भैया क्या लिखा हुआ है, ए ए ए, तीन बार गुणा है तो नीचे ए क्यूब लिखा हुआ, ए क्यूब प्लस, ये भी तीन बार गुणा है तो नीचे बी क्यूब लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है मेरे भाई एक बटा ए प्लस बी, एक बटा ए प्लस बी इसका रिजल्ट आएगा। सर ये कैसे आ गया, एक्चुअल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो कट जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए प्लस बी इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे भाई गौर से देखिएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी, तो 2 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है भैया, और 4 और 3 7 हो जाएगा, और मेरे भाई 2 और 4 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा सवाल का, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो नाकाम कोशिश एग्जामिनर के द्वारा इस सवाल को कठिन बनाने की गई है, लेकिन यहां से आप एक बड़ा आइडिया जरूर लगा के चलना अपने दिमाग में कि सर ये लोग नया गेम क्या कर रहे हैं, ये अब नई चीजें क्या करना चाह रहे हैं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है यहां पे कि इस सवाल में नया गेम क्या करना चाह रहे हैं ये, ये कितना बच्चा पकड़ पाया। एक्चुअल में कभी इस टाइप में ये सवाल ऐसा नहीं बना जिसमें 1 अपॉन में आंसर आया हो, हमेशा इस टाइप के सवाल को ऐसे सेट किया जाता था कि डायरेक्ट आप इनको या तो जोड़ देंगे या फिर इनको आप घटा देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है? बट पहली बार ऐसा हुआ कि इसको बटे में सेट किया गया है। अब यहां ये गेम क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में इसी सवाल को थोड़ा सा कठिन बनाया जा सकता था, एक्चुअल में मैं बता दूं कि इसको कठिन कैसे बनाया जा सकता था, हो सकता है कि अब आपको वो चीज कठिन ना लगे क्योंकि आप आंसर निकाल चुके हो या आंसर मैं आपको बता चुका हूं, दोनों ही बातें हैं। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर मेरे भाई एक ऑप्शन जो है वो बी वाला जो है वो लिख देता मेरे भाई 679, तो यही सवाल अपने आप में बढ़िया सवाल हो जाता फिर, ठीक है? क्योंकि ऐसे सवाल को देखते समय स्टूडेंट इतना सोचेगा ही नहीं, मतलब लिखता ही नहीं है स्टूडेंट को, क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है, ठीक है? उसको आदत पड़ी हुई है डायरेक्ट ए प्लस बी या ए माइनस बी करने की, तो वो डायरेक्ट स्टूडेंट क्या करता, जोड़ देता और आंसर लगा देता, वो ये देखता ही नहीं कि इसका रिजल्ट 1 अपॉन में भी आ सकता है। तो मेरे भाई आगे आप याद रखें कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? सारी जरूरी बातें हैं अपने आप में, जरा इनको आप सभी लोग जो है वो याद रखें कि कैसी कैसी चीजें आप सभी साथियों के साथ की जा सकती हैं, ठीक है? बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर बनता था, हाँ तो गेम है, उस गेम को आपको पकड़ना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो ऊपर बनता था, तो इस गेम को भैया आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो कहां बनता था, ऊपर बनता था। चलिए अब आगे से एग्जामिनर यही करेगा जैसा आपने किया। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए ध्यान से, 8% वार्षिक दर से 21 महीने में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो मेरे भाई 6,000 रुपए पर, ये मूलधन है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय महीने में है तो 12 का भाग लगा के साल में बनाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही ब्याज होता है, ठीक है भैया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही ब्याज होता है, बस इसको सॉल्व कर लो, यही ब्याज है।
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यही ब्याज होता है पीआरटी बटे 100। और क्या है भाई, दो जीरो से दो जीरो यहां कैंसिल कर दो भैया आराम से, और 12 पंचे 60 यहां 5 बार, 8 पंचे 40, 21 चौके 84, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 840, ऑप्शन सी। कैलकुलेशन आसान करोगे तब आसान होगी, जल्दीबाजी में नहीं कर गड़बड़ कर दोगे तो लफड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित है, जो संख्या इस दुनिया में 36 से कटती है वो 9 और 4 दोनों से कटती है मेरे भाई, ठीक है। जो संख्या इस दुनिया में 36 से कटती है वो 9 और 4 दोनों से कटती है, तो 4 से कटने के लिए लास्ट के दो अंक कटने चाहिए, 72 12 40 कटता है, 42 नहीं कटता, तो वो तो गई। अब भैया 9 का डिविजिबिलिटी चेक करो, अंकों का योग जिसका कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 9 है यहाँ पे हटा दो, 6 और 2 7 और 2 9 हटा दो, 6 और 2 8 है, ये 9 से नहीं कट रही है, 5 और 5 10 और 5 15 और एक 16 और 2 18 ये 9 से कट रही है, यही आंसर होगा फिर बी ऑप्शन, क्योंकि ये 4 से भी 9 से भी दोनों से कट रही है तो 36 से भी कटेगी, 8 8 16 4 20 ये 9 से कट रही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल आज की क्लास का आप सभी के सामने रहा, बोलिए आंसर क्या होगा, थोड़ा स्पीड में भैया आंसर करें सभी लोग, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए मेरे भाई सारे पढ़ने वाले बच्चे। मोहित एक काम को मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में कर रहा है, जो मोहित है वो किसी काम का 2/3 भाग बाबू 24 दिन में कर रहा है, और उसी काम का 1/9 भाग करने में कितना समय लेगा, तो ये तो लल्लू सवाल है, 2/3 24 दिन में, 1/9 कितने दिन में, तो मेरे भाई 24 में 9 का भाग हो जाएगा और 2/3 का इसमें भाग लग जाएगा, तो होगा क्या साथी आराम से बताएं क्या होगा, ये 3 से ये 3 बार कटेगा, ठीक है, और 3 से ये 24 कट जाएगा 8 बार, और 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का, सी ऑप्शन, चांद के पार चलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार ले चलेंगे तुमको, बोलो क्लियर है बात, जल्दी बताएं। गौरव चौधरी है, गजेंद्र कश्यप है, सुनील एलपी है, बीरू राव है, बबलू कुमार है, ठीक है, और एलपी बबलू कुमार है, आरब पटेल भाई साहब हमारे साथ हैं, राज हेल्डर है, विकास सेंगर है, और भवेश सेन जी है, नेहा कुमारी जी है, ऋषिका जी है, रवि बिंद जी है, है ना, रेल फैन है, सारे बच्चे हैं और सारे लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया अद्भुत। चलिए अगला सवाल आंसर करें जल्दी से क्या होगा, ध्यान से नेक्स्ट, अगले सवाल का जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा, ध्यान से जल्दी से आंसर करें अगले क्वेश्चन का। बोला है निम्नलिखित को सरल करें, बताइए सरल करके बताइए मेरे भाई जल्दी से, निम्नलिखित को सरल करें, जल्दी से सरल करके बताएं क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखिए, यहां 2 और 3 लिखा है, एलसीएम ले लीजिएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 + 3 = 6 और 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3 × 9 = 9a और 3b हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, 3 × 2 = 6 दो बार कटेगा, 2 का अंदर गुणा करेंगे -2a हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा, और माइनस का 2a का जब इसमें गुणा करेंगे माइनस में तो प्लस, 2 × 3 = 6b हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया 6b हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा बाबू 6b हो जाएगा, 6b और यहां कुछ है भी नहीं तो 6 × 2 = 12b हो जाएगा प्लस का 12b, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा सरलीकरण इसका करिएगा, तो कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए 3 और 6 9 और 12 कितना 21 हो जाएगा, 9 और 12 21 हो जाएगा ना, हाँ जी, और 9a में से 2a घटा देंगे तो 7a प्लस 21b और बटे में क्या है भैया 6। अच्छा ऊपर से 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 7 × 21 3b और बटे में क्या बचेगा b, तो आंसर क्या आएगा बटे में आएगा भैया 6, तो 7a प्लस 3b अपॉन 6 आंसर आएगा, 7a प्लस 3b अपॉन 6 सी ऑप्शन, ठीक है सी ऑप्शन। चलो चांद के पार चलें, डी ऑप्शन गलत हो गया भैया, सी ऑप्शन चलो चांद के पार चलें, लेकिन डी ऑप्शन आप लोग आंसर दे रहे हो, कट गया भैया डी वालों का कट गया, एएलपी बबलू कुमार फ्री फंड में तुमने अपने नाम के आगे एएलपी लगा लिया है, किसने अनुमति दे दी तुम्हें, बन जाओ तब लगा लेना मेरे भाई, फ्री फंड में उपाधि लेकर इज्जत बटोर रहे हो, बन जाइए तब लगा लेना, फिर मैं खुद लगा दूंगा, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बोलिए एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, एक तंबू है मेरे भाई जो कि शंक्वाकार आकार का है यानी कि शंकु है, और इस तंबू का जो ऊंचाई है वो 24 मीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है, 7 मीटर, ठीक है, और ये 24 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो कह रहा है कि इसमें इस तंबू में हमें कितने बोरे बोरे मतलब समझ रहे हो, बोरे कितने बच्चे जानते हैं, बोरे बोरी जानते हो,
थैला जानते हो जिसमें चीजें भरी जाती हैं, तो वो बोरे कितने बोरे इसमें खाली किए जा सकते हैं अगर एक बोरा 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम घेरता हो। तो एक बोरे का जो आयतन है, एक बोरे का आयतन वो 2 मीटर क्यूब है, तो मान लो n बोरे होंगे, n तो n बोरों का आयतन हो जाएगा 2 गुणा n हो जाएगा, यही तो आयतन होगा 2 गुणा n सारे बोरों का। और ये जो टोटल वॉल्यूम आएगा सभी बोरों का मिलाकर, ये टोटल वॉल्यूम, ये टोटल आयतन, ये टोटल कैपेसिटी, ये टोटल क्षमता इस पूरे चित्र के आयतन के बराबर होगी। इसका आयतन होता है 1/3 पाई, 1/3 बाबू, और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर कितना, 7 का स्क्वायर 49, और ऊंचाई कितनी है 24। यहां से एन की वैल्यू निकाल लो, दोनों के आयतन को बस बराबर कर दिया, यहां से भैया एन की वैल्यू निकालिए, 7 से कट जाएगा मेरे भाई 7 बार, ठीक है, 7 × 7 = 49 होता है, और 3 × 8 = 24 8 बार कटेगा, ठीक है, और मेरे भाई 2 से काट लो 22 को 11 बार कटेगा, और मेरे साथियों क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो 77 में गुणा कर देंगे 8 का, तो 8 × 56 की 6, हासिल 5, 8 × 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, तो आंसर आएगा क्या 616 बोरे जो हैं इसमें खाली किए जा सकते हैं, ठीक है, 616 बोरे जो है मेरे भाई इसके अंदर खाली किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है बाबू, बोलो, मजा आ गया ना, जल्दी से बताएं, बात क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। थोड़ा सा चेहरे पर आपको थकावट नजर आ रही होगी, थोड़ा सा मतलब एनर्जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन चेहरे से दिख रही होगी थोड़ी मेहनत आपको, है ना, प्लीज उसके लिए आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो बहुत तगड़े तरीके से सारी चीजों को करना पड़ रहा है। अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, उत्तर पूछा है, तो आंसर 2 हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, 2 होना चाहिए शायद, ठीक है, चेक कर लो, फिर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को खोल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 sin θ × cos θ, यही तो होगा, इसी के बाद इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 sin θ × cos θ, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 आंसर कितना हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट आंसर आप ठोक सकते हो। एक्चुअल में जो दिमाग है ना वो ऐसे दौड़ना चाहिए तुम्हारा, एकदम ऐसे 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 एकदम ऐसे ऐसे करंट की तरह, ठीक है, जैसे ही आपने सवाल देखा एकदम से ऐसे दिमाग दौड़ जाना चाहिए आगे, ठीक है, कि 2 आएगा आंसर डायरेक्ट, क्योंकि ये कट जाएगा, है ना भैया। अगला सवाल बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है एक डीलर ने 9000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी है और उस पर अंकित मूल्य 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर, और फिर भी 10% का लाभ होता है, तो आंसर बताइए 90, 9000, 1,10,000, मतलब ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 11,000, ठीक है, 1,10,000 मुंह से निकल गया। एक्चुअल में क्या है, एमपी बटा सीपी का मान क्या होगा, बोलो, एमपी बटा सीपी बराबर क्या होता है, 100 + लाभ प्रतिशत यानी 110, 100 - छूट प्रतिशत यानी कि 90। अच्छा वस्तु खरीदी कितने में गई है, 9000 में, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना भैया 9000, तो 90 की वैल्यू 9000, तो 110 की क्या होगी 0, 0 कट जाएगा, 900 को काटेंगे 100 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 110 की क्या हो जाएगी 110 तो है 2 जीरो और ये लग जाएंगे 11,000, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ सवालों में टाइम अपना बचाना होता है, हाउ टू सेव टाइम इन द टेस्ट और इन द एग्जाम, दीज सच क्वेश्चंस वहां पर होते हैं जो आपका समय बचाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ऐसे ही सवाल होते हैं जिसमें समय बचता है, ठीक है, तो इन सवालों को थोड़ा स्पीड में करना सीखो और इनमें समय बचाना सीखो, ठीक है भैया। बाकी हर टीचर का अपना एक अलग अंदाज होता है, मेरा अंदाज यही है, मैं आपको यही सिखाता हूं कि जो सवाल डायरेक्ट एकदम सट से हो सकते हैं उनमें भैया कोई पेन एंड चलाओ मत, और जो सवाल बढ़िया है उनमें पेन एंड चला के आराम से आंसर करें। अगला सवाल, क्लास अगर पसंद आ रही है तो सभी लोग अपनी लाइक जरूर ठोक दें क्लास में। अगला सवाल का आंसर बताएं, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है और अगले 1.5 घंटों के लिए भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा की औसत चाल बताएं। सरल आसान सवाल है भाई, 24 किलोमीटर की चाल है ना, और 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो आधा घंटा लगेगा, है ना, यहाँ 1.5 घंटा ये है और 80 किलोमीटर क्या है चाल है, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय लगा लेंगे तो आपकी औसत चाल आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल आपका CBW है, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका कमेंट बॉक्स वर्क है, ऐसे ही एक सवाल ये और है आपका, ये भी आपका CBW है आज का, ये कमेंट बॉक्स वर्क है, ये जानबूझकर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसमें दिया है होमवर्क में, क्योंकि ऐसा सवाल मैं आपको कई बार करा चुका हूं लगातार पिछले 5 सेटों में, x^(-1/x^6) ही निकालना सिखाया है, ठीक है, तो यहाँ x+1 = लेकिन यहाँ जो गिवन है वो थोड़ा यूनिक चीज गिवन है कि x+1 = 2√2 है। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, फिर x+1 x x+1/x निकालो,
फिर x माइनस वन अपॉन x निकालो, फिर वहां से x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालो, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़िया है, इसको जरूर आप सभी लोग होमवर्क में है इसमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं आप वीडियो खत्म होने के बाद। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। जल्दी से सभी लोग जानकारी ले लें मेरे भाई आराम से, ठीक है। सारी जानकारी को थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, विस्तृत तौर पर सुन लें। देखिए अगर इस वाली क्लास के पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप कहां से डाउनलोड होगा, लिंक चिपकी हुई है कमेंट में ऊपर, वहां से ऐप को डाउनलोड करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ वहां आपको फ्री में अवेलेबल होती है, फ्री मटेरियल के सेक्शन में, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं भैया अच्छे तरीके से, तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि मेरे भाई अगर अगर आपके फाउंडेशन ही गड़बड़ है, कहने का मतलब है ना तो आपने कभी मैथ पढ़ा है, ना रीजनिंग पढ़ा है, ना केमिस्ट्री पढ़ी है, ना बायोलॉजी, ना कुछ और, ना कुछ और, अगर आपको सब कुछ हमारे साथ पढ़ना है तो आप द ग्रेट यकीन बैच के साथ जुड़े। इसकी फीस 699 है, हमारा यूनिवर्सल कंटेंट बैच है ये वाला, ठीक है भैया। इसमें बहुत मेहनत से मैंने मैथ रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया है और आपकी लाइव क्लास भी इसमें होती है, ठीक है। आज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया, आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लेना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी जीवन में ऐसे नहीं पढ़ा होगा। इससे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, कभी जीवन में स्टैटिस्टिक्स आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, उसमें आप बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं, वो वन अपॉन टू एक्स वन बाई वन फलां ढिम का, वो सारे सवाल 10-10 सेकेंड में आप उड़ाने वाले हैं, ऐसा तरीका मैंने आज हिंट दी थी बैच में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेथड आपको इस बैच में सीखने को मिलेंगे मैथ रीजनिंग में, जो आपने कभी सोचे तक नहीं होंगे, और बिल्कुल फाउंडेशन जीरो लेवल से सारे सब्जेक्ट इसमें मैथ रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, साइंस अलग दूसरे टीचर आपको पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट इसमें आपके कवर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका एक बार आपने हमसे मैथ और रीजनिंग पढ़ रखा है, या हमसे नहीं तो किसी भी और टीचर से पढ़ रखा है, और आपको मैथ और रीजनिंग जो है वो आता है, ठीक है भैया, आपको मैथ रीजनिंग आता है और आपका लोको पायलट या टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है या ग्रुप डी का आप एग्जाम देंगे, तो फिर आप ये टारगेटेड बैच भी ले सकते हैं। अगर आपको मैथ रीजनिंग आता है ऐसा भ्रम अगर आपको है, तो इस बैच के साथ जुड़कर उस भ्रम को भी थोड़ा दूर कर सकते हैं और तैयारी थोड़ी और शानदार कर सकते हैं, ठीक है। ये भैया हमने कल ही लॉन्च किया है, इसकी क्लासें 15 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, 15 अप्रैल को इसमें पहली क्लास होगी। इसमें पूरी जो 2024 में 16,000 सवाल रेलवे ने पूछे हैं, 2016 से लेकर 2024 तक टोटल 16,000 सवाल गणित के आए हैं, वो सारे सवाल मैं आपको अपने मेथड से अपने सॉल्यूशन से कवर कराऊंगा, और ऐसे ही रीजनिंग चैप्टर वाइज और मैथ चैप्टर वाइज दोनों में डेली 1.5 घंटा मैथ चलेगा डेली लाइव, और 1 घंटा रीजनिंग डेली लाइव चलती है, ठीक है भैया। 15 अप्रैल से क्लास चालू होगी इसकी। बाकी 10 सुपर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह भी इसमें मैं आपको दूंगा, और काफी सारी चीजें। फीस केवल 249 है, तो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग देख लें। और अगर मेरे भाई मॉक टेस्ट के लिए भी आप परेशान हैं कि सर मॉक टेस्ट हम कहां से लगाएं, मॉक टेस्ट से हमारा नंबर देखेंगे कितने क्या क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो मॉक टेस्ट भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। सारी चीजें बहुत कम फीस में मैं आपको देता हूं, ठीक है। हमेशा से 149 रुपीज में आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, 249 में आप टारगेट में जुड़ सकते हैं, और 699 में आप यकीन में जुड़ सकते हैं। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन। किसी भी दुख कलेश समस्या परेशानी और किसी भी प्रकार का कलेश से अगर आप ग्रसित हैं, तो आप उससे निजात पाने के लिए ऊपर वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन। क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग क्लास में अपनी लाइक जरूर ठोकें, सवाल जो होमवर्क में दिए हैं उनका कमेंट में आंसर जरूर करें, ठीक है भैया। क्या कह रहे हैं, इसकी वैलिडिटी कितनी है सर? सारे बैच की वैलिडिटी मेरे ऐप पर टिल सिलेक्शन है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उस दिन वीडियो हटेंगी तुम्हारे ऐप से, जो आपको एक बार पढ़ा देंगे वो हमेशा आपके पास रहेगा टिल सिलेक्शन तक, ठीक है। और एक वीडियो को आप चाहें तो 10-10 हजार बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड वॉच है, ठीक है बाबू। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।